हेलो। हाँ भाई, बोल रहा था ना लड़ाई करने के लिए। कहाँ है? बोल भाई, कहाँ है? सो गाइस, अभी हम दीक्षा उन्हों को कॉल करने वाले हैं, तो इसने शायद से कॉल उठाया। तू क्या केस करवाएगा भाई? फोन तूने मेरा चोरा, बुरा तूने मुझे बोला, धक्का तूने मुझे दिया, ए घुराया तूने मुझे, 2 दिन पट्टियाँ मेरे सर पे बंधी रही, पैसे मेरे वेस्ट हुए, तो केस ये करेगा मेरे पे? वाह वाह, क्या क्या भाई, और तू क्या? सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस, चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई कुछ इस तरह की लोकेशन से। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई अभी ना मेरा ना व्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने सोचा जिस दिन बाइक आएगी उसी दिन ही हम अपना मोटो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ मैं ना थोड़े दिन तक जम्मू जाऊंगा और अपनी बाइक खुद ही लेके आऊंगा। तो ऐसे ना मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार एक तो आपका भाई ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, और ऊपर से ना यार एक तो यहाँ पे लाइट नहीं होती है, ऊपर से यार यहाँ पे ना इंटरनेट वगैरह इतना सही चल नहीं रहा, जिसकी वजह से ना व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो अभी ना यार मैं ऐसे बैठा था, और ना मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी मैं ना रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, वो मेरे को ना किसी बंदे का कॉल आता है, अननोन बंदा आता है भाई, वो ना ऑनलाइन बदमाश बना हुआ, पता नहीं कौन सा बदमाश है। बोल रहा था कि मैं कालू बदमाश हूँ, पता नहीं कौन सा बदमाश हूँ। तो वो बंदा मेरे को बोल रहा था कि तू जहाँ पे भी फ़ोन लेके भागा हुआ है ना दीक्षा का, तो वो लोकेशन बता दे, अगर तूने फ़ोन नहीं देना तो चुप करके वो लोकेशन बता दे, वरना मैं खुद ही लोकेशन वगैरह निकलवाऊंगा। और बोल रहा है कि YouTube पे जितनी भी वीडियोस वगैरह डाली है वो सारी वीडियो डिलीट कर दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग ही सुनाऊंगा, बट उससे पहले ना मैं सबसे पहले ना जिहान को कॉल करके ना वो सारी बात उसको बताने वाला हूँ। एक तो मैंने इनका ना साथ छोड़ दिया, ठीक है, ये जो दीक्षा छपरी है ना इसमें तो दम नहीं है भाई, बदतमीजी करती है ना मेरे साथ, मैं तो उसको बुलाता ही नहीं, मुँह ही नहीं लगाता हूँ। पर वो ना अब ना बंदों से कॉल वगैरह करवा रही है, खुद तो दम नहीं है भाई। और जिन जिन लोगों को स्क्रिप्ट लग रहा है ना, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये स्क्रिप्ट नहीं है। उसने ना मेरी बाइक की ना मेरी बाइक ऊपर बॉटल मारी थी, बियर बॉटल मारी थी, और मेरे टैंक के ऊपर ना स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ना मैं उसका फोन वगैरह लेके भागा था। ऐसे आपकी बाइक की आदत नहीं है किसी का पर्स वगैरह लेके जाऊं, उसमें से उसकी चीजें वगैरह निकालूं, फोन वगैरह निकालूं। उस दिन मेरे को भाई उसने ना इतनी जोर से मारा, वो क्लिप मैंने डाली नहीं, उसने ना मेरे को ना इतनी जोर से नीचे गिराया ना, वो क्लिप मैंने डाली नहीं है। तो जिसकी वजह से ना मैं उसका फोन लेके भागा और उसका फोन लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने ना फोन रूम पे रखा हुआ है, मैं आपको फोन भी दिखाऊंगा बाद में जाके। अब ऊपर से भाई फोन वगैरह करवा रहे हैं, कॉलें वगैरह करवा रहे हैं, तो अभी उसको कॉल वगैरह करते हैं और सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं कॉल करूंगा, फिर देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। हेलो। हाँ भाई, बोल रहा था ना लड़ाई करने के लिए। कहाँ है? बोल भाई, कहाँ है? सो गाइस, अभी हम दीक्षा उन्हों को कॉल करने वाले हैं, तो इसने शायद से कॉल उठाया। हेलो। हाँ, कौन? भाई मैं बोल रहा हूँ इब्रार, मेरी बात सुन। इब्रार कौन है? इब्रार बताता हूँ मैं कौन हूँ, मेरी बात सुन। दीक्षा तेरे साथ है? हाँ। इसको बोल ये हरकतें क्या लगाई हैं भाई तुम लोगों ने, तुम में इतना दम है तो तुम आगे तुम सामने आके बात कर लो ना भाई। तुम ये जो लोगों जो ये लोगों से कॉल वगैरह करवा रही है ना, दीक्षा की वीडियो डिलीट कर, इसको मेंटल वगैरह क्यों बोलती है? जब तुम लोगों ने मेरे को चोर वगैरह बोला, मैंने तुम लोगों को बोला कुछ? इसको बोल दे फिर मेरे खिलाफ भी वीडियो नहीं डाल, बने होते तुम अपने व्लॉगों में मासूम बने हो। तुमने मेरी बाइक पे बॉटल मार के स्क्रैचेस वगैरह डाल। देख यार तेरा वो जो खटारा फोन है ना आईफोन, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे फोन ना 1000 ले सकता हूँ। अगर तू इतना ही महान होता ना, तो तेरी टैंक पे 2 स्क्रैच बचे थे ना, तो तू उसके 50,000 नहीं मांगता भिखारी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, तमीज से बात कर ले। फोन चोर के ले गया, कश्मीर भाग गया, अब क्यों इतनी सिंपैथी दिखा रहा? तब तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जी, बोल रहा था कि मैंने चोरा ही नहीं है, तो अब क्यों ये मान रहा है? भाई मैंने व्लॉग डाला था, सबको पता है मैंने लिया है फोन, सबको पता है, पर मैं तुम लोगों को लेवल निकल चुका है, लेवल तुम लोगों ने दिखाया है, जो लोगों से तुम कॉलें वगैरह करवा के बोल रही हो ना कि इसको बोलो वीडियो डिलीट करवा, ये मेंटल वेंटल क्यों बोल रहा है, जहाँ पे है एड्रेस दे, फोन दे। इतना इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं लड़कों से बताऊँ? मैं व्लॉग देख लेना, रिकॉर्डिंग भेजू मैं, उस लड़के ने इतना बोला कि ये दीक्षा को तू मेंटल वेंटल बोलता है, ये मत बोल, वीडियो शीडियो डिलीट कर, इसको तूने बोला पागल है, साइको है, ये है, इसका फोन लेके गया है। तो तूने मेरे को तो तूने मेरे को छपरी पता नहीं क्या क्या बोला, चोर बोला, मैंने बोला तुम्हें कुछ? मेरे को पता है भाई, चल यार तू भी अपनी वीडियो बना रही है, मैं भी अपनी वीडियो बना रही। चोर कश्मीर नहीं भागता भाई। भाई अगर तेरे को इतना ही फोन चाहिए ना, मैं कसम से मैं जम्मू आ रहा था, मैं पता क्यों भागा? मैं तुम्हें
लेकिन व्लॉग में डाल पाई थी। जीहान से फोन लिया था मैंने, वो शूट करने, फिर आखिर में इस बेचारे ने मेरे को अपना घर से फोन ला के वो बोला कि जितने दिन नहीं है तेरे पास फोन तू कर दे। फिर मैंने सोचा यार इतना ये बेचारा मेरे को फोन तक दे गया, मैं गई मैंने नया फोन लिया तेरी वजह से, तूने जितना मेरे को डिस्टर्ब किया ना। और आज जब मैं दो दिन खुश हूँ, क्यों नहीं खुश हूँ, मैंने नया फोन ले गया, बाहर में जाए तू, तुमने फोन ले लिया करना है, मैंने तो सोच लिया मैं तेरे को पुलिस केस करूंगी, तो वो तू रखेगा लेकिन तेरे उससे भी लेवल निकालूंगी मैं। तुम करो पुलिस केस मैं करूंगा, जो तुमने धमकियां वगैरह दिलवाई है ना मेरे को कि वीडियो शीडियो डिलीट कर, ये तू उधर है पहुंच गया, इसको मेंटल नहीं बोला, अगर मैं बताऊंगा तुम लोगों को अकल से पैदल है, क्योंकि तू पूरी फसाद की जड़ तू है, तू क्या केस करवाएगा भाई, फोन तूने मेरा चोरा, बुरा तूने मुझे बोला, धक्का तूने मुझे दिया, तूने मुझे दो दिन पट्टियां मेरे सर पे बंधी रही, पैसे मेरे वेस्ट हुए, तो केस ये करेगा मेरे पे, वाह वाह क्या क्या भाई, और तू क्या तू तो कुछ भी कर सकता। चल ठीक है, तुमने नीना करवाया देख तू, और वो जो तेरा फोन है ना वो मैं इधर दरिया में फेंकूंगा, उसका भी व्लॉग देख लेना, कल मैं फोन फेंकूंगा तेरा दरिया में, जो तेरा फोन लेके गया हूं कोई नहीं। और रही बात, तुमने नीना कॉल करवाया, अब तुम खुद देखना अब तुम लोगों के साथ क्या होता है। बाय। सो वेल गाइज, अभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह सारी सुन ली, तो देखा आप लोगों ने कि ये कितनी ज्यादा बदतमीजी वगैरह कर रहे थे, और जब मैंने इनको बोला कि तुम बंदों से कॉल वगैरह करवा के धमकियां वगैरह दिलवा रहे हो, तो बोलते कि हमने किसी बंदे को नहीं बोला। मैंने यार व्लॉग बनाना ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मैं सोचा था कि यार जब बाइक आएगी उसी दिन से हम अपने ना मतलब कि डेली व्लॉग करेंगे, बट ये लोग ना मेरे को यार परेशान वगैरह कर रहे हैं इतना ज्यादा। और जिन जिन लोगों को लगता है ना कि ये स्क्रिप्टेड है, मतलब कि ये सारा स्क्रिप्टेड सीन है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये 110% रियल है। और भाई देखो, जम्मू में तो भाई आपको ऐसी वाली लोकेशन दिखेगी नहीं, ठीक है ना, ये घर वगैरह देख लो सारे, भाई जम्मू में तो ऐसे घर है नहीं है। आप लोग ना ये लोकेशन देख के इतना तो समझ ही गए होगे कि मैं भाई जम्मू में नहीं हूँ, और अगर ये स्क्रिप्ट होता तो भाई मैं जम्मू छोड़ के यहाँ पे क्यों आता। इन लोगों ने भाई मेरे को परेशान कर दिया, इन लोगों से परेशान होकर भाई मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम लोगों को सीधा बोल देता हूँ, आपके भाई की ना आदत नहीं है किसी का पर्स वगैरह लेके जाना, उसमें से फोन वगैरह निकालना और फोन लेके भाग जाना कहीं और, ऐसे आपके भाई की आदत नहीं है। मैं ना इसको ना सबक वगैरह सिखा रहा था, जिस दिन मैं इसका फोन लेके भागा था ना, जिस दिन मैं इसका पर्स वगैरह और फोन लेके भागा था ना, इस बंदी ने ना मेरे को ना इतनी जोर से नीचे गिराया था, वो क्लिप मैंने डाली नहीं क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। इन्होंने मेरे को धक्का दिया और मैं ना नीचे गिरा हूँ भाई, सीरियसली इतनी गंदी मेरे को लगी थी ना, तभी इसका फोन लेके भागा ताकि इसको थोड़ी सी अक्ल आए। और आप लोगों ने इतना तो देख लिया था कि इसने मेरी बाइक के ऊपर ना बियर बॉटल मारी थी, और कसम से इनका फोन दे देना था, मैंने यहाँ से ना पार्सल वगैरह करवा दे देना था, और यहाँ तो अगर मैं जम्मू जाता ना तो मैं इनको जम्मू जाके ही फोन दे देता। बट यार इन्होंने ना जो हरकतें की ना यार आज, मतलब कि फोन वगैरह करवा के। और रही बात बाइक की, तो बाइक भाई मैं ना खुद ही जम्मू जाके ना ले आऊंगा, सीधी सी बात है। मैंने खाली आज की वीडियो में इतना बोलना था कि भाई ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हरकतें करना छोड़ दो भाई, और अगर तुम्हें भाई इतना ही शौक है ना वीडियो हटाने का, तो पहले तुम हटाओ जो तुमने मेरे को टॉर्चर वगैरह किया, जिसकी वजह से मैं भाई यहाँ पे आया हूँ और मैंने जम्मू में व्लॉग वगैरह बनाना छोड़ दिए हैं। बाकी रही मोटो व्लॉग की बात, तो थोड़े दिन तक हम ना अपनी बाइक लेके खुद ही आ जाएंगे, फिर भाई प्रॉपर डेली व्लॉग करने वाले हैं।